तो वो जो सामने बस खड़ी है ना, ये ईवी बस है। ये देखो दोस्तों, कुक हमारा। चलिए दोस्तों, हम चल पड़े हैं, फिर सबकी ट्रेनिंग हो रही है। And welcome to the White Water River rafting Ganges. हाय दोस्तों, हम आ गए हैं वापस। चाचू कैसा रहा? बहुत मस्त, बहुत बढ़िया। चाचू आपको एंजॉय करा? हाँ जी दोस्तों, हमें ऋषिकेश में पाल। ऐसा रेलवे स्टेशन मैंने कहीं नहीं देखा है। सही बात है। जी चीयर्स। राम राम जी, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग भी सुबह सुबह, आपको पता सुबह की दिनचर्या स्टार्ट होती है हमारी मंदिर से, क्योंकि जब हम पहले इंडिया थे तब भी यही थी रूटीन, अब भी यही रूटीन है। लो भाई साहब, अभी जा रहे हैं मंदिर। मंदिर से देख लो, कल भी कोई प्लान नहीं था कहीं का, आज भी कहीं का प्लान नहीं है। तो कल आपको आधा देहरादून तो घुमा दिया है, आज कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, चलिए हमारी गाड़ी भी शुरू हो गई है। वाहेगुरु सच्चे पातशाह, मैं रखी हूँ। तो चलिए इस व्लॉग को शुरू करते हैं। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं, देहरादून साइड जा रहे हैं। आज का जो ट्रिप है वो आपको दिखाएंगे हम ऋषिकेश, जो कि मेरी सबसे फेवरेट जगह है। दोस्तों आज हम जा रहे हैं ऋषिकेश आप सभी को लेके। अभी गाड़ी खाली दिख रही है, बट अभी थोड़ी देर में देखना फुल हो जाएगी। और ये देहरादून की सड़कें हैं। अभी मैं एक चाचू को बिठाने लेने जा रहा हूँ, बस उनको लेके आना है। देखो यार, यहाँ पे रॉन्ग साइड देखो कितने लोग चल रहे हैं, बस तक ओवरटेक ले रही है। और तुम स्कूल की बस है यार, देखो। तो वो जो सामने बस खड़ी है ना, ये ईवी बस है। हमारा देहरादून बहुत ही वो हो गया है कि इनके पास यहाँ पर लोकल में इलेक्ट्रॉनिक बस चलती है। गजब है यार, बढ़िया है। सब गाड़ियाँ गुड़ियाँ ईवी हो जाए तो प्रदूषण से तो बचेंगे, सुपर। ये अपनी टार्जन, इस रूट से आएंगे भी चाचू, कब आएंगे पता नहीं, देखते हैं। 5 मिनट बोल रहे थे। A few minutes later. One hour later. ये देखो दोस्तों, कुक हमारा। हेलो कुक जी। A few minutes later. हाँ जी दोस्तों, हम पहुंच गए ऋषिकेश, और ये ऋषिकेश बस स्टैंड पे अपनी गाड़ी लगाई। ये अपने भाई लोग हैं उत्तराखंड परिवहन, ये भाई स्टाफ के हैं इधर के, ये सारा बस अड्डा ऋषिकेश का। चलिए, धूप बहुत है, हालत बड़ी खस्ता है, आज बहुत नज़ारे आने वाले हैं। देख लिया होगा वीडियो की स्टार्टिंग में, हम आज करेंगे राफ्टिंग। चलिए आगे मिलेंगे आपसे। फाइनली दोस्तों, हम आ गए ऋषिकेश, और राफ्टिंग के लिए आज राफ्टिंग जो बड़ी मस्त होने वाली है, क्योंकि आज तक जो राफ्टिंग करी है ना वो इंडियंस के साथ की है, आज मैं करने जा रहा हूँ फॉरेनर टूरिज्म के साथ। ये हमारे साथ हैं, ये देखो। पीली बोट, पीली बोट।
ये जी उत्तराखंड की पहाड़ है, उत्तराखंड की पहाड़ है। फाइनली दोस्तों हम शिवपुरी पहुंच गए हैं और ये हाँ जी हाँ जी तैयारी चल रही है। हाय मंक, कैसी फीलिंग है? ये भी पता चलेगा है। हाँ विक्की भाई कैसा लग रहा है? उस्ताद जी आप पहली बार हो? पहली बार आज रोड रेस है यहाँ, रेड रेस आज राफ्टिंग होगी, आज राफ्टिंग होगी। चाचू चाचू राम राम, कैसा लग रहा? राम राम जी, ये भी हमारे चाचू जी हैं, ये भी चाचू, जय राम जी। फर्स्ट टाइम आपका? हाँ चाचू, कैसा लग रहा? बहुत बढ़िया, मेरा पहली बार है, मैं देखता हूँ। डर तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं कोई डर नहीं, चलो देख लेंगे तो बाद में पता चलेगा है। फाइनली दोस्तों हम हो गए हैं रेडी, ये अपने साथ भी सारे आज हमारे ब्लॉग में आएंगे साथ जी, उत्तराखंड रोडवेज। और ये टोंग वाले भैया हमारे, ये हमारे चाचू जी है। चाचू नहीं आज। हाँ जी दोस्तों, आज हम जा रहे हैं राफ्टिंग करने। मैंने 2019 में की थी लास्ट टाइम, और आज फिर मौत का सफर स्टार्ट होने वाला है क्योंकि डर बहुत लग रहा है। चाचू भी है हमारे साथ। चाचू डर तो लग रहा है? ये बहुत खतरनाक खिलाड़ी है, आप देख सकते हैं व्यू, देखो आप चलिए। दोस्तों हम चल पड़े हैं, ये सबकी ट्रेनिंग हो रही है, ये फुल ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे चलाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और ये पूरी ट्रेनिंग दे रहा है ट्रेनर साहब। हमारे को भी ऐसी ट्रेनिंग मिलेगी कि भाई ज़िंदा रहना है तो इनके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं रहना है तो फिर करना पड़ेगा बस। हरियाणा हैंकी तो नहीं है यार, ये वेलकम टू द व्हाइट वाटर रिवर राफ्टिंग गंगेस। सो माय नेम इज अभिनंदन, आई विल गिव यू सम इंस्ट्रक्शंस एंड आई विल बी गो विद द ब्लू टीम एंड द रेड टीम। गाइड नेम इज मिस्टर ब्रिजेश, ओके। सो नाउ दिस वन इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, नेम इज शिवपुरी एंड आवर एंडिंग पॉइंट इज इन रामचू। Clear everyone? Yeah. So from there in a river we will be take like a 1.5 hours something, maybe 15 minutes up and go down because it's a river. If water level go high, so speed will increase, so we go fastly in a down side for the ending point, and if water level go down, so we will go in a slow way. One hour later. Achu, kya hal hai? कुछ खाने की जगह है तो यहाँ पर आपको खाने के लिए मिलेगा। ये देखो जी, राम 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 मिल रही है चाय, गरम चाय। और मैं तो नस की चली भाई।
कैसा फील हो रहा है? अबे मैंने मैगी भी खाई भाई रास्ते में, तुम ऐसी आई हो मैंने रास्ते में मैगी भी खाई यार। छूके छट से वापिस आए हम। कैसा लगा फिर? बढ़िया लगा, मजे ही मजे है। बोटिंग भी हमने तीन बदली। पहले इस बंदे ने टैंकर एक एक डीसी कंपनी ने तीन दिन में बैठ के आया, तीन दिन के स्वाद लिए बंदे ने फ्री में। वो भी एक बोट बुक करी थी हमने, ये बंदा तीन दिन में बैठ के आ गया भाई। जहाँ से बोटिंग हमने स्टार्ट करी थी ना, हम वहाँ पे आ गए। अब अपने कपड़े कपड़े चेंज करके अभी अपने और बंदों से पूछेंगे कि कहाँ जाना है। ये देखो उत्तराखंड के हैवी ड्राइवर। हाँ दोस्तों, हम आ गए वापस। चाचू कैसा रहा? बहुत मस्त, बहुत बढ़िया चाचू। आपको एंजॉय करा? आगे आ जाओ, गाड़ी वाला एंजॉय करवा देगा। तू तो है ही दुनिया में अकेला। गाड़ी दे सकते हैं? अगर गाड़ी दे सकते हैं तो कैसा लगा तेरे को? वो काट दोगे ना गाड़ी? इसकी वजह से हमारा ट्रिप बहुत ही अच्छा रहा। यादगार रह गया इसकी वजह से। मैन ऑफ द मैच ये है। हाँ जी दोस्तों, जो हमारे भाई यार है, ये छोटा भाई है मेरा, भाग रहा है। ये देखो बेचारे मेहनत कर रहे हैं। व्यू देखो कितना शानदार है नीचे का। वो देखो वो भाई यार हैं जो इधर ही कोई रेलवे में है, कोई वो उत्तराखंड परिवहन में है। फुल डिटेल तो मैं बताऊंगा नहीं कौन कहाँ है, बट उनको शॉर्टकट रास्ते पता है। मेरी तो हालत खस्ता हो गई है चढ़ चढ़ के, क्योंकि बहुत दिनों बाद। पर सच बताऊं तो राफ्टिंग में ना मज़ा है, मौत दिख जाती है, पर रिस्क लेने चाहिए यार, इन्जॉय। इनको शॉर्टकट रास्ते पता तो हम ज़्यादा खर्चा ना करके अपनी गाड़ी के पास चले जाएंगे। फुल मंजे कर रहे हैं मज़े। अगर मैं इसे बोलना नहीं जा रहा तो बाद में, क्योंकि बहुत सीढ़ियाँ थी। ब्लॉग तो मैंने अभी स्टार्ट किया। चलो आगे मिलते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों कितनी सारी बोट खड़ी है, ये सब हेलीकॉप्टर वेलीकॉप्टर उड़ाना हो आसमान में सब मिलेगा यहाँ पे। एक गाड़ी देख लो कहाँ की है, यूपी 83। अपने भाई लोग आ गए यूपी 14। हाँ जी दोस्तों, हमें ऋषिकेश में पाल गडरिया समाज मिला है। ये दुबई में तो दोस्तों बहुत ही मिस करते थे ऐसे स्ट्रीट फूड को। हमने भी एक वेज बिरयानी खाई है, उसमें इतनी मिर्ची थी, गजब। गन्ने का जूस, बहुत भीड़ है यार। तो दोस्तों यहाँ ठूसा जा रहा है। दाल दूसरी नहीं क्या? ठीक लग रही। भाई साहब इंडिया में रह के ना ये फ़ायदा है स्ट्रीट फूड, अचार उतूर चावल चुवल। मक्खी मक्खी के चक्कर में प्लेट गिर गई, नुकसान हो जाता भी भाई। मैं ठूस लूँ पहले प्यार से, खा लेता हूँ फिर बात करता हूँ आपस से। मज़े आ गए यार। मैं पहले इसको खा लेता हूँ फिर बताऊँगा कैसे लगे। मक्खी तंग कर रही मैंने। हाँ जी दोस्तों, नहा धो के मस्ती मार के वहाँ से तो आ गए हैं। अभी हमारे एक चाचू हैं उनके घर जाएंगे, थोड़ा चेंज कर लेंगे, क्योंकि अभी तो हमारे पूरे कपड़े कपड़े पूरे गिल्ले हो गए हैं। अपनी कार भी उठानी है। ये ऋषिकेश का बस स्टॉप है, यहाँ से आपको दिल्ली की और दिल्ली की बसें मिल जाती है टाइम टू टाइम। अभी चलते हैं अपनी कार को लेने। 1 hour later.
ये दोस्तों अभी तक आपको दिखाया था हमने यहाँ का बस स्टॉप। अभी हम आए हैं यहाँ के ऋषिकेश के नए रेलवे स्टेशन में, क्योंकि मैंने आपको बताया था इनमें से एक रेलवे स्टेशन में है। तो अभी हम ऋषिकेश के रेलवे स्टेशन, ये देखो नंदी जी बैठे हैं भोलेनाथ के पास। जय भोलेनाथ, क्या गजब है यार। ये देखो जी नंदी बैल, अपना फोन मस्त है यार, ये देखना गजब अपने भाई लोग। देखो दोस्तों यहाँ का सबसे मस्त ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन, जहाँ पे यात्रियों के लिए इतना खुला स्पेस है ना यार, जो सोच नहीं सकते। इधर गार्डन हो रहा है, यहाँ तक आप छोड़ने आओ आराम से। आज उधर तो ज़्यादा बना नहीं सके, बट यहाँ का बनाते हैं। गजब यार दोस्तों, इतना खुला डुल्ला रेलवे स्टेशन तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। हाँ जी दोस्तों, जैसे कि हम जब अमृतसर से आए थे तो हमेशा हर ट्रेन में ऐसा होता है ऊपर से टपके दूसरे उसमें जाना चाहिए हमें पड़ता है, बट यहाँ पर भाई साहब दुबई से कम ज़्यादा नहीं है। गजब है यार, मैं सोचा नहीं था कि दुबई से आके यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन पे ऐसा मिलेगा मुझे। यार मेरे को तो लग रहा दुबई आ गया है। गजब भाई साहब, मुझे लगा कि दुबई आ गए हैं यार। फर्स्ट टाइम यहाँ के किसी रेलवे स्टेशन में मैं ऐसे देख रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मेट्रो स्टेशन पे कि भाई यहाँ पे बोलेंगे अभी कि ये नेक्स्ट स्टॉप इज बुर्ज खलीफा। गजब यार, सोच नहीं सकता था मैं कि ऐसा आएगा। ये देखो उल्ट इंसान, ये देखो। गजब है यार, कहाँ जा रही है ये, कितना नीट एंड क्लीन। ये आ गए हम दुबई दोस्तों। दोस्तों बढ़िया वाला टूर देते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर। ये पूरा ऐसे ऐसी ही एक ट्रेन में आया था मैं, मेरा ये वाला लगेज था। और गजब देखो फुल्ली फुल टूर आज ट्रेन का, ऐसे ही 40 नंबर था मेरा उस दिन टिकट ना, जब मैं अमृतसर से आया था। पर इधर नीट एंड क्लीन नहीं है कि लोग ना कबाड़ फेंक देते हैं। गजब, देखो भाई साहब लिफ्ट सर्विस भी चलाई हुई है इन्होंने। One hour later. हाँ जी दोस्तों, मैं बहुत से रेलवे स्टेशन घूमा हूँ, बट जितना नीट एंड क्लीन और जितने फीचर्स इस रेलवे स्टेशन में दिखे हैं ना, शायद ही मुझे कहीं दिखे होंगे। गजब है यार, अभी भीड़ कम है बट शायद बस ये अपने उस्ताद जी हैं। कैसा लगा आपको रेलवे स्टेशन? बेहतरीन है, ऐसा रेलवे स्टेशन मैंने कहीं नहीं देखा है। सही बात है, ये तो है। यहाँ पे पार्क भी है, बैठने की जगह, लेटने की जगह, फुल्ली जगह है भाई। One hour later. हाँ जी दोस्तों, अभी इस रेलवे क्वार्टर में अपनी गाड़ी लगा दी है। ये ऋषिकेश के जो भी रेलवे विभाग में लोग रहते हैं उनके क्वार्टर्स हैं। अपनी टार्जन यहीं पार्क करके हम जा रहे हैं अभी ऋषिकेश के
नज़दीकी किसी घाट पे। चलो चलते हैं दोस्तों उधर, जा रहे हैं दोस्तों त्रिवेणी घाट। यहाँ पे नज़दीक नियरेस्ट वही था, तो उस घाट पे जाते हैं, देखते हैं क्या क्या होगा। ये छोटी छोटी बाजार यार कहाँ में, कर दुबई में थे तो बस स्कूटियाँ तो यहीं दिखती है, वहाँ पे कार ज़्यादा दिखती थी, यहाँ पे स्कूटी स्कूटर ट्रैफिक कहीं से भी लोग आ जाते हैं, गजब है। देखते हैं आगे कैसा होगा। देखो यहाँ पे भी दरबार साहब है जी, वाहेगुरु वाहेगुरु जी खालसा वाहेगुरु जी फतेह। यार टाटा की गाड़ियाँ हर जगह ही खड़ी है, डेरी डूरी बहुत है इधर यार इस रूट पे ना, दूध दही पनीर सब। मैं 10-12 दुकानें देख ली है वहाँ, तो डब्बे गए तो जुगाड़ भी चलते हैं, ये बस इंडिया में ही दिखेंगे यार खतरनाक जुगाड़। आगे दोस्तों हम त्रिवेणी घाट, जय भोलेनाथ। फाइनली हम त्रिवेणी घाट आ गए हैं, और हमें समय का थोड़ा सा हमने वो किया, मतलब दुरुपयोग, हम आरती के लिए लेट हो गए, पर चलो जो किस्मत में होता है वही होता है। हम थोड़ा सा वहाँ टाइम लगाया, हम सो गए थे सारे के सारे ना, ये अपने साथ के बंदे कहाँ गए। One hour later. हाँ जी दोस्तों, अभी हम खड़े हैं ऋषिकेश के एक हाईवे पे, और स्ट्रीट फूड जो कि दुबई में तो मिलता नहीं था यहाँ मिलता है, मोमोज चाउमीन खा रहे हैं। घंटा क्या लिखा हुआ, इतना बड़ा क्या खड़ा घंटी जी। चीयर्स, रात के 12 बजे देहरादून की चाय चाय के मजे। हाँ जी दोस्तों, फाइनली हम आ चुके हैं अपने घर, और टाइम बताऊँ आपको इंडिया में अभी बज गए हैं 1, और घर वाले सारे सो गए हैं। हमने अपनी गाड़ी लगाई पार्किंग में, आज बहुत दुड़ाई है, दुड़ाई तो क्या बहुत स्लो आए, क्योंकि रात के टाइम थोड़ा सा लाइटें लुटे ट्रक ड्राइवर बहुत तकड़े होते हैं, तो उनकी 4-4 आंखें होती है। आज का ट्रिप बताऊँ तो बहुत ही गजब रहा, जिसमें कि स्टार्टिंग हमने मंदिर से ही करी है, क्योंकि मम्मी के साथ पहले जब मैं 2 साल पहले इंडिया था तो हर रोज़ मंदिर जाता था, तो मैंने कहा जब ये 45 दिन जितने भी दिन घर हैं तो हर रोज़ मम्मी के साथ मंदिर जाऊंगा। मंदिर से आने के बाद तो हमारा एकदम फ़ोन आया कि ऋषिकेश चल रहे हो, ऋषिकेश मेरी फेवरेट जगह है, और हमने राफ्टिंग करी है। थोड़े से क्लिप तो नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि वहाँ पर हम फ़ोन अलाउड नहीं, बट फोटोज़ वीडियोज़ थोड़ी सी शूट की है वो आपने इस व्लॉग में देख ही ली होगी, और फुल इन्जॉय करके अभी इतनी नींद आ रही है ना, क्योंकि 1 बज गए हैं। घर वालों से तो सुबह डांट पड़ेगी, पर सुबह देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, फिर मिलेंगे किसी और नई जगह किसी और नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय हिंद।